रिलीजियस फेथ और पॉलिटिकल ओपिनियन. इन शॉर्ट लीगल इक्वलिटी और इक्वलिटी बिफोर लॉ इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. लॉ में डिस्क्रिमिनेशन का एब्सेंस है, यानी कि वहाँ पर किसी के लिए किसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि वहाँ पर कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, किसके लिए लॉ है किसके लिए नहीं है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. द रूल ऑफ लॉ इज प्रैक्टिस इन द ग्रेट ब्रिटेन एंड मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. नेचुरल इक्वलिटी. नेचुरल इक्वलिटी रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल डैट नेचर हैज़ क्रिएटेड एवरी वन एज इक्वल्स. ऑन द कंट्री इन रियलिटी वी कैन सेल्डम फाइंड सच इक्वलिटी एज द वर्ल्ड इज प्रॉन विद मोर इनइक्वलिटीज दैन इक्वलिटी. पीपल डिफर ग्रेटली इन देयर इंटेलिजेंस हाइट कलर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल मेकअप. नेचुरली जो लोग होते हैं जो पीपल है वो इंटेलिजेंस में डिफरेंस हो सकते हैं, हाइट में, कलर में, सबका फिजिकली डिफरेंट होते हैं, कलर सेम नहीं होता है किसी का भी, स्ट्रेंथ सबके अलग अलग होती है, मेंटली जो मेंटली स्टेटस है सब वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई भी इक्वल नहीं होता. तो नेचर ने सबको इक्वली समाज में क्या कहते हैं समान अधिकार दिए गए हैं. नेचुरली एक इंसान फ्री पैदा हुआ था. हाँ, वो हाइट में, कलर में, स्टेटस में, वो सब में डिफरेंट हो सकता है, बट नेचुरली हर इंसान इक्वल है. नेचुरल इक्वलिटी इज मीन्ड एज द प्रोविज़न ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल ह्यूमन बींग्स इज रेस्पेक्टिव ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस. तो नेचुरल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, उसके रंग को देख के ना देना, उसकी हाइट को देख के ना देना, उसके शेड्स को देख के ना देना. तो नेचर ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी है, अब वो इनको कैसे यूज़ करते हैं डिपेंड्स ऑन देम ना. इट इम्प्लाइज डैट ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल एंड आर एंडोव्ड विद इक्वल गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स. इट आल्सो मीन्स डैट द स्टेट शुड ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटी रादर देन इंक्रीज इट. द स्टेट शुड प्रोवाइड those social and economic opportunities that offer equal chances. Natural equality is rather an ideal and not an immediate reality. This ideal should be attained in our society as far as possible. Political equality. Political equality implies that everyone has equal access to the avenue of power. हर इंसान के पास राइट है, वो पॉलिटिक्स में खड़ा हो सकता है, पावर को अचीव कर सकता है. इट डिपेंड्स ऑन हिम और हर. ऑल सिटीजन्स वाट एवर मे बी देयर डिफरेंसेज इन स्टेटस एजुकेशन एंड वेल्थ शुड हैव एन इक्वल वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड इन होल्डिंग पब्लिक ऑफेंसेज. हर इंसान को राइट है कि वो पॉलिटिकली अपनी वॉइस को इंक्रीज़ कर सकता है, उठा सकता है किसी भी मुद्दे के खिलाफ जो उसको समझ में ना आ रहा हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट उसके पास पब्लिक के लिए राइट है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी. और डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट वन वैल्यू. जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनका एक ही सिद्धांत है, वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू. हर इंसान को एक वोट देने का अधिकार है. इज़ फेथफुली अडॉप्टेड. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग इलेक्टेड एंड इन होल्डिंग पब्लिक ऑफेंसेस. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन एंड राइट्स टू सीक रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस आर द इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी. Social equality, as we know, socially all peoples have given same right. Means that all citizens are entitled to enjoy equal status in society and no one is entitled to special privileges. There may be rational distinction in the society with regard to occupation and professions, but the feeling of inferiority and superiority should not be attached to these. It stands for all about all should be treated equally in the eyes of law. No discrimination on grounds of color, caste, creed, sex, religion, etc. Removal of social stigmas like untouchability. On the 10th November 1948, UNO declared the Charter of Human Rights, which laid stress on social equality.
इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिकली एवरीबडी हैज़ राइट अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू लीड इट्स लाइफ अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी. इकोनॉमिक इक्वालिटी इन्वॉल्व अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम एंड रिमूवल ऑफ ग्रॉस इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक इक्वालिटी इज द prerequisite for the existence and enjoyment of political, social and legal equality. Economically, it does not mean equal distribution of wealth. इसका मतलब ये नहीं कि सबके पास equal wealth हो, which is not practical, but prevent the concentrations of wealth in the few hands. Economic condition of an individual essentially influences his political condition. It means that there should be equal opportunity to all citizens. It matters of availability of consumer goods, wealth and property. कि सबके पास ये opportunity है, equal rights है सभी citizens के पास में कि वो consumer goods सामान को आराम से खरीद सके, उनके पास wealth हो, उनके पास property हो. Similarly, everyone should have the same facility for jobs, work and in industry. There should be equal wages for equal work. अगर 10 लोग equal work कर रहे हैं तो उनको wages भी, यानी कि उनके पास जो earning है वो भी equal होनी चाहिए. उसमें differences, indifferences नहीं होने चाहिए. International equality. It means the principle of equality shall be extended to all people in all the countries. कोई भी इंसान इंटरनेशनली कहीं भी जा सकता है. द सेम इज़ ट्रू ऑफ नेशंस एंड स्टेट्स. देयर कैन नॉट बी डिफरेंट ट्रीटमेंट बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन पीपल. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो हमने पीछे पढ़ा है वो सब हमारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की इसकी डेफिनेशन क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ अ पॉलिटिकल आइडल दैट इज़ अपोज to caste hierarchy but not to hierarchy per se. The assumption is that a society contains a hierarchy of more and less desirable, superior and inferior positions. In a caste society, the assignment of individuals to place in the social hierarchy is fixed by birth. Social mobility may be possible in a caste society, but the process whereby one is admitted to a different level of the hierarchy is open only to same individuals depending on their initial inscriptive social status. In contrast, when equality of opportunity prevails, the assignment of individuals to place in the social hierarchy is determined by some form of competitive persons, merit. And all members of society are eligible to compete an equal exam. Different conceptions of equality of opportunity constrain this idea of competing on equal terms variously. So, opportunity हम सबके पास equally है. हिरार्की वंशानुक्रम, ठीक है, कोई बिजनेस करता है कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बने, ऐसे ही हिरार्की कहीं कहीं है आज भी, लेकिन उसके बाद हिरार्की को बहुत से देशों में ख़त्म किया गया है और सबको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि सभी एग्ज़ाम सबके लिए इक्वल होंगे. डिपेंड ऑन हिम और हर कि वो उसे ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसे पास कर सकता है नहीं कर सकता है. विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर इक्वालिटी. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.